निघासन विधानसभा के भाजपा विधायक व पूर्व सहकारिता मंत्री रामकुमार वर्मा ने सोमवार को कोतवाली व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व कोतवाली परिसर में जगह जगह गंदगी दिखाई दी, जिस पर उन्होंने गुस्सा व्यक्त करते हुए जल्द ही व्यवस्था में सुधार लाने की बात संबंधित विभाग के अधिकारियों से कही। विधायक रामकुमार वर्मा ने मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई दो बहनों की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या पर रोष व्यक्त करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। निघासन के सरकारी कार्यालयों का विधायक द्वारा औचक निरीक्षण किए जाने से संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विधानसभा की जनता ने विधायक रामकुमार वर्मा के इस कार्य की खास सराहना की। लोगों का कहना है कि रामकुमार वर्मा के चुनाव जीतने के बाद उन्हें क्षेत्र के विकास की पूरी उम्मीद है। कमरा कहाँ हो गई आधे घंटे के अंदर शीघ्र बताए। ये कमरा बिल्कुल लगना चाहिए, आप जैसे तुम्हारा चेहरा चमक रहा है ऐसे कमरा चमक चमकना चाहिए। अब देखो कुल मिलाकर, आप देखो कुल मिलाकर सारे कागज इसने फाटक कई दिन से रिजाम लगाया तुमने बता। अधिकारों से अपने कर्तव्यों से वो दूर भागता हुआ वो वास्तव में पलायन कर रहा है, और जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी प्रताड़ित कर रहा है, उनके हकों की लड़ाई लड़ने वाली रहा है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है और वो केवल सरकार को धोखा दे रहा है। बच्चे बोरे पे लेटे थे, बिल्कुल बच्चे बहुत, उससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। बोरे पे लेटे थे, एक बच्चा बोरे पे था, उसके कारण मैंने बोरा उठाया भी, देखा भी, वास्तव में उससे बेचारी लेटा कर उसमें पेशाब पड़ी थी बच्चे की, माने वो उसी पे लेटा था, उसके बिछाने के लिए कपड़ा भी नहीं था। किस तरह की कार्रवाई के लिए आप बात करेंगे? मैं जिले के सारे अधिकारियों से कहकर कार्रवाई नहीं सुनिश्चित कराऊंगा, और जिन जिन की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसका पूरा इंतजाम करूँगा।